कक्षा एकादश के विद्यार्थी, आज रसायन विज्ञान में क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम को क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं, अर्थात जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करते हैं उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम नंबर आर दोज नंबर विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पोजिशन एनर्जी एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। इसको एक अन्य रूप में भी परिभाषित करते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा अभिविन्यास तथा चक्रण को प्रदर्शित करती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्वांटम संख्या का बेसिक कंसेप्ट क्या है। क्वांटम संख्या का मतलब हो रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा तथा स्थिति की जानकारी। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं, जिन्हें मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या तथा चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। संक्षेप में हम इसे PAMS प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर से जानते हैं। तो क्वांटम संख्या की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में आप समझ गए होंगे।